नमो नमः स्टूडेंट्स, आप सभी का कक्षा 6 में स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय की रुचिरा भाग 1 के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में परिचय करवाया गया है। पुल्लिंग शब्दों की जानकारी तो आपको होगी ही। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द हिंदी विषय में हमने सुने हैं ना कि भाई पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? लिंग के दो टाइप्स होते हैं, लिंग के दो प्रकार होते हैं। लिंग को क्या बोलते हैं? जेंडर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसी प्रकार संस्कृत में लिंग यानी कि जेंडर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों की इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द किसको कहते हैं भाई? तो अकारांत पुल्लिंग वे शब्द होते हैं, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ आए, अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालकः, छात्रः, रामः, बालक, क क के पीछे अ की साउंड आ रही है ना, ऐसे अंत हो रहा ना बालक शब्द का। उसी प्रकार छात्र, त्र, त्र के पीछे अ की साउंड आ रही है। छात्र शब्द का अंत कहाँ से हो रहा है? अ से हो रहा है, अकारांत से हो रहा है। अ जिसके अंत में हो अकारांत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः, शब्द परिचयः भाग 1। शब्द परिचय फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखें, यहाँ पर प्रथमः में म के बाद 2 बिंदु दिख रहे हैं। पाठः ठ के बाद में 2 बिंदु यानी कि 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। शब्द परिचयः इसमें य के बाद में, य के अंत में क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो संस्कृत में इन 2 डॉट्स 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, और इस विसर्ग का उच्चारण संस्कृत में ह से किया जाता है। यानी कि जब मैं प्रथम नहीं पढ़ूंगी इसको, ओनली म के पीछे 2 बिंदु है तो मेरे म के बाद में ह की साउंड भी आएगी। सुनिए आप ध्यान से, प्रथमः, इसी तरह से पाठः। क्लियर हो गया आपको? तो जहाँ जहाँ पर वर्ण के साथ में, शब्द के साथ में, वर्ड के साथ में 2 डॉट लगे होंगे, हमें ह का उच्चारण उस वर्ड के साथ में करना है। पहली बात तो ये रही। और संस्कृत में एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है, किसी भी व्यंजन के नीचे यदि टेढ़ा डंडा, जिस तरह से हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन को देखिए आप लोग, इसमें की के बाद में म लिखा है, किम, म के नीचे क्या दिख रहा है आपको? टेढ़ा डंडा दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? हलंत। इसका मीन्स होता है कि ये म पूरा नहीं है, म से मछली, म अपन सिंपल म लिखते हैं तो उसमें नीचे टेढ़ा डंडा नहीं होता है। लेकिन यदि आपको ये म के नीचे टेढ़ा डंडा लिखा हुआ दिखाई दे, इसका मतलब ये कौन सा है? म हलंत वाला। और हलंत वाले वर्ण का उच्चारण आधे कटाक्षर बोलते हैं इसको। तो जिस तरह से हम आधे म का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। यानी कि हम पूरे वर्ण को उच्चारण करने में जितना प्रेशर लगाते हैं, उसका आधा प्रेशर इसमें लगेगा। ठीक है, तो हलंत वाले उच्चारण करना और विसर्ग वाले वर्णों का उच्चारण करना हमें अच्छे से आना चाहिए, तभी हम शुद्ध उच्चारण सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, विसर्ग आपने जान लिया, हलंत आपने जान लिया, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए अच्छे से, आपको इसमें पिक्चर दिखाई दे रही है ना पिक्चर। इस पिक्चर के माध्यम से हम इस पैराग्राफ को अच्छे से इजीली समझ सकते हैं कि भाई इस पैराग्राफ में क्या पूछा गया। अभी पिक्चर किसकी लग रही है आपको? गिलास की पिक्चर लग रही है ना, ग्लास की पिक्चर। तो इस पैराग्राफ में ग्लास के बारे में पूछा गया है कि भाई ये अभी क्या है, ये कैसा है, साइज इसका कैसा है, इसके बारे में बताया गया है। तो पहले मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ को उच्चारित करती हूँ, रीड आउट मारती हूँ इसका, और फिर आप इसे अच्छे से ध्यान से सुनिए। जब आपको इसको पढ़ना आ जाएगा, उच्चारित करना आ जाएगा, तो फिर हम इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली पंक्ति हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की, एषः कः, साउंड आई ना,
दो डॉट विसर्ग का ह साउंड आई ना साथ में, सुनिए वापस, एषः कः। सेकंड लाइन, एषः चषकः। थर्ड लाइन, किम एषः बृहत्। अब देखिए कैसे साउंड किया मैंने, किम और बृहत को किस प्रकार से उच्चारित किया, ध्यान से सुनिए। किम, यदि मैं पूरा होता तो किम इस तरह से पढ़ा जाएगा, लेकिन ये म हलंत वाला आधा अक्षर है तो हमें प्रेशर भी कम लगाना है इस वर्ड पे। इसी तरह से बृहत, और त यदि हमें पूरा पढ़ना होता है तो कैसे पढ़ते हम, त अ की साउंड आती है ना पूरी, इसमें अ नहीं है, आधे अक्षर में अ विद्यमान नहीं है, तो हमें उसको अल्प हल्का प्रेशर देते हुए इसको उच्चारित करना है। तो थर्ड लाइन वापस रिपीट करती हूँ मैं, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करती हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए, एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेशन सीखते हैं। एषः, एषः का मीन्स होता है यह, यह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिस कहते हैं ना, जैसे जो चीज़ हमारे पास में है, यह, यह पुस्तक है, यदि मेरे पास ही में पुस्तक रखी तो मैं कैसे बोलूँगी उसको, यह पुस्तक है, या इंग्लिश में बोले तो दिस इज़ माई बुक। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चन किया गया है कि यह क्या है, पास वाली चीज़ के लिए हम यह यूज़ लेते हैं, और यह को संस्कृत में बोलते हैं एषः, और इसके आगे है कह, कह का मीन्स होता है क्या, कौन। कह और किम ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या और कौन के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं संस्कृत में। तो फर्स्ट पंक्ति हुई हमारी एषः कह, यह क्या है। सेकंड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ, एषः चषकः, यह गिलास है। थर्ड लाइन, किम, किम अभी मैंने बताया था ना आपको, कह और किम किस अर्थ में आते हैं, क्या और कौन के अर्थ में। ठीक है, तो किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, बृहत का मीन्स क्या होता है, बड़ा, क्या यह बड़ा है, इसके साइज के बारे में पूछा गया है। तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इसका साइज बहुत बड़ा गिलास है क्या, गिलास तो बड़ा नहीं होता है, गिलास तो छोटा होता है। ठीक है, तो ये छोटा गिलास दिख रहा है हमें इसमें। तो फोर्थ लाइन, न एषः लघु, न का मीन्स नहीं, एषः का मतलब होता है यह, और लघु यानी छोटा, नहीं यह छोटा है। फिर से मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ, एषः कः, यह क्या है, एषः चषकः, यह गिलास है, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। ठीक है, अब आपको इसका उच्चारण करना, सस्वर वाचन करना, और इसको ट्रांसलेट करना, अनुवाद भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है हमें, टेलर का पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, राइट साइड में देखिए अच्छे से, टेलर की पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, तो टेलर को हिंदी में क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं ना, जो कपड़े सिलता है हमारे, दर्जी बोलते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में टेलर को क्या बोलते हैं, साउचिकः। ठीक है, और अब ये देखिए, आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। फर्स्ट पिक्चर में ग्लास वो कहाँ है, बिल्कुल उसके पास में है, लेफ्ट साइड में देखिए, और राइट साइड में जो टेलर का पिक्चर बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, उस पैराग्राफ से थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है ना। तो जब हम पास वाली चीज़ों के लिए यह यूज़ लेते हैं तो दूर वाली चीज़ों के लिए कैसे बोलते हैं हम, वह दरवाज़ा है, दैट इज़ डोर। ठीक है ना, और उसी प्रकार से संस्कृत में वह के लिए क्या यूज़ लेते हैं, सह यूज़ लेते हैं। इससे पूर्व पैराग्राफ में हमने सीखा था यह के लिए संस्कृत में क्या यूज़ लेते हैं, एषः, यह गिलास है, सीखा था ना हमने, एषः चषकः है। ठीक है, तो इसी प्रकार
संस्कृत में वह के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? सह, जो हमारे सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में यूज़ हुआ है। ठीक है, हम पहले इसको सेकंड पैराग्राफ को रीड आउट करना सीखेंगे, उच्चारण सीखेंगे, तत्पश्चात हम इसका अनुवाद सीखेंगे। आप लोग अच्छे से सुनिए। सह कह, विसर का उच्चारण हो रहा है ना, है कि साउंड आपको सीखनी है। यदि आप इसको इस तरह से पढ़ते हैं, विसर का उच्चारण नहीं करते हैं, स क, तो ये अशुद्ध उच्चारण माना जाएगा। हमको अच्छे से शुद्ध परिमार्जित संस्कृत भाषा सीखने के लिए हमें उच्चारण में हमारी शुद्धता आवश्यक है। तो हम सही उच्चारण सीखेंगे, सह कह। सेकंड लाइन सेकंड पैराग्राफ की, सह साउचिकः। अब आप अच्छे से सुनिए, यदि स के ऊपर मात्रा किसकी दिख रही है हमें? ओ की मात्रा नहीं है, ये औ की मात्रा है। यदि मैं इसको सोचिका पढ़ूंगी तो भी वो अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, हमें स में औ की मात्रा, तो हमें सौ इसका उच्चारण करना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध कहलाएगा। ठीक है, फिर से सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन, सह साउचिकः। नेक्स्ट थर्ड लाइन, साउचिकः किम करोति। अब यहाँ साउचिकः के बाद में आपको की के ऊपर एक डॉट दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इस डॉट को, बिंदु को क्या बोलते हैं? इसे अनुस्वार बोलते हैं, और अनुस्वार का उच्चारण म से किया जाता है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? किम पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ इसको की पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि मैं इसको पढ़ती हूँ साउचिकः की करोति, तो ये अशुद्ध है। हमको इसका उच्चारण करना पड़ेगा, साउचिकः किम करोति। ठीक है, अब किम देखिए आप, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन को देखिए आप, उसको भी आपको किम का उच्चारण करवाया। इसमें म हलंत करके लिखा गया है, और सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में म को हलंत नहीं करके अनुस्वार लगा दिया गया है, लेकिन ये दोनों एक ही शब्द है, इनका उच्चारण एक ही है। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अनुस्वार का उच्चारण हमें इस प्रकार करना है, साउचिकः किम करोति। नेक्स्ट फोर्थ लाइन, किम सह खेलति न सह वस्त्रम सीव्यति। एक बार मैं एक साथ वापस उच्चारण करती हूँ स्पीडली, सह कह, सह साउचिकः, साउचिकः किम करोति, किम सह खेलति, न सह वस्त्रम सीव्यति। अब हम इसका ट्रांसलेशन सीखते हैं। सह कह, सह का मीन सभी बने बताया वह, जो दूर चीज़ें होती है उसको वह बोलते हैं, तो दैट की तरह से ये हो गया वह। और कह, फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया था कह और किम ये शब्द किन के लिए यूज आते हैं, क्या और कौन के लिए। तो हमारे यहाँ पहले पैराग्राफ में यह क्या में यूज़ आया, और यहाँ पर कह का अर्थ कौन से लिया गया है, कह और कौन इन अर्थों में होता है कह का वर्ड, कह वर्ड का प्रयोग। तो सह कह, वह कौन है? सह साउचिकः है, वह, सह का मीन्स वह, साउचिकः यानी दर्जी, वह दर्जी है। नेक्स्ट थर्ड लाइन, साउचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? अब ये हमें तो वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा था, हम इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार करेंगे, दर्जी क्या कर रहा है? किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है? लास्ट लाइन सेकंड पैराग्राफ, न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं, न का मतलब क्या हुआ? नहीं, सह का मीन्स वह, वस्त्रम यानी कपड़े को, वस्त्र को, सीव्यति सिल रहा है, स्टिचिंग का काम कर रहा है ना, वो सिलने का काम कर रहा है ना कपड़े को, तो नहीं वह वस्त्रों को, वस्त्र को सिल रहा है। वापस से मैं इसका ट्रांसलेशन रिपीट करती हूँ क्विकली, सह कह, वह कौन है? सह साउचिकः, वह दर्जी है। साउचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है? किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है?
न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र को सिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।